तो नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के साथ ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा हिंदी पाठ का जो दसवां का लेखक नाम है वो मैं आज आपके दिमाग में छाप छोड़ कर जाऊँगा। अगर हिम्मत है तो भूल के दिखा दीजिएगा, लेकिन मेरी वीडियोज़ को सिर्फ 2 मिनट देखना यार। अगर मैं आपके अंदर ये पूरा चीज़ आज दे के नहीं गया, पूरा लेखक का नाम याद करवा के नहीं गया, तो डिसलाइक। अब हम बातें करते हैं कि याद कैसे होगा, जरा सुनिएगा। हम यहां से आपके अंदर जो चैप्टर बोलेंगे उसका आपके अंदर पिक्चर बनेगा। कैसे पिक्चर बनेगा सुनिएगा। जैसे हमने कहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर का लेखक नाम आपको कैसे याद होगा? तो हमने कहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नाखून को हम लोग काटते नहीं, हजार बार नहीं काटने पर नाखून बढ़ जाता है। तो हजार बार नहीं काटने पर, हजार से होता है हजारी, तो हजार बार नहीं काटते इसीलिए नाखून बढ़ जाता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजार बार नहीं काटते और हजार से तो हमेशा याद आएगा, ऑप्शन में कहीं ना कहीं हजार का जिक्र जरूर होगा, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? जब भी दिमाग में आए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हजार बार काटते नहीं है और हजार बार काटते नहीं है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको कोई ट्रिक फॉलो नहीं करना है, जब भी ये चीज आएगा आपके दिमाग में इसका पिक्चर बनेगा और पिक्चर बनेगा तो आंसर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि चार ऑप्शंस दिया रहता है। आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा, 20 के दांत को हम लोग कैसे याद करेंगे, इसके लेखक का नाम क्या यार? दोस्तों 2 मिनट मेरे साथ बने रहो। 20 का दांत, तो 20 का दांत किसका होता है, सांप का होता है, और जब काटता है तो वो जगह कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, और नीला से याद रखना है नलीन बिलोचन शर्मा। नलीन याद रखना, बिलोचन तिलोचन छोड़ो ना यार, बिलोचन से तो याद ही हो जाएगा अपने को। तो हमने कहा 20 के दांत कटता है, नीला हो जाता है, नीला से याद आया नलीन बिलोचन शर्मा। बोलो याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मैं पिक्चर आपके दिमाग में बना रहा हूं, मैं याद नहीं करवा रहा हूं, ट्रिक नहीं दे रहा हूं, ये पिक्चर्स होता है, मोनोमिक्स होती है कि कैसे याद किया जाता है। अगली चीज आइएगा, मेरे को बहादुर का लेखक का नाम याद करना है। तो याद समझेंगे कि बहादुर लोग जो होते हैं वो मरते नहीं अमर हो जाते हैं। क्या होते हैं? मरते नहीं अमर हो जाते हैं। दैट मीन्स इसके लेखक का नाम है अमरकांत। इसके लेखक का नाम क्या है बाबू मेरे? अमरकांत लेखक का नाम है। भाई साहब, जब आप इसको क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे चार ऑप्शंस आएंगे, आपको कहेगा जीत जीत में निखरत हूं, इसका भी मैं बता रहा हूं, जरा सब्र करो। तो देखिएगा, मैंने कहा बहादुर का अमरकांत, बहादुर लोग मरते नहीं अमर हो जाते। पहले आप आता है जीत जीत में निखरत हूँ, इसका कैसे याद करें? तो जीत जीत की बात हमेशा कौन से लोग करते हैं? जीत हार की बात राजा महाराजा जो बड़े लोग होते थे वही जीत जीत की बात करते हैं। तो राजा से याद आया, महाराजा से याद आया कि महाराजा अपने चैप्टर में एक ही लेखक में लगता है भाई साहब, और वो लेखक है अपना पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। तो हमने यहाँ पे चार चीज़ आपके दिमाग में दिया, अब आप मेरे साथ पिक्चराइज करो। जीत जीत में निखरत हूँ, तो जीत जीत हार की बात महाराजा करता है, पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। मैंने कहा नलीन बिलोचन शर्मा किसके, तो नलीन से नीला सांप, 20 की दांत याद आ गया मेरे को याद नहीं है लेकिन याद आ रहा है। नाखून क्यों बढ़ते, क्योंकि हजार बार काटते नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत से हम क्या सीखे बता रहा हूँ, बहादुर, बहादुर का बहादुर लोग मरते नहीं अमर हो जाते हैं, अमरकांत। मैंने कहा जीत जीत में निखरत हूँ, जीत जीत का मतलब राजा महाराजा लोग बात करता है, महाराज से याद आया पंडित बिरजू महाराज। अब सुनिएगा, जैसे मैं कहता हूँ नौबत खानों में इबादत, नौबत खानों में इबादत के लेखक कौन है? तो नौबत खानों में हम लोग इबादत करते हैं तो क्या मांगते, ऐसे पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करने के लिए इबादत का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो नौबत खानों में हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में रीति क्या है, प्रसाद के रूप में मिश्री को चढ़ाना, तो इबादत के लिए मिश्र को लगाना जरूरी है, इसलिए इसका आंसर होगा यतंदर मिश्र। नौबत खानों में इबादत करते हैं तो क्या चीज़ चढ़ाना जरूरी होता है, मिश्री, तो इसलिए याद आता है यतंदर मिश्र। कुछ ऐसा पिक्चर माइंड में डालो कि आपको हमेशा याद हो जाए। जैसे मैंने कहा इसको, मैंने कहा परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन,
और भारत की जो परंपरा है उसमें एक भगवान का पूजा हमेशा होता है, उसका नाम है राम भगवान। और राम हमेशा एक ही लेखक में लगता है जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, राम विलास शर्मा। तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। शिक्षा और संस्कृति की बात आपको बचपन में कौन सिखाते हैं? बापू सिखाते हैं। और बापू किसको कहा जाता है? बापू कहा जाता है महात्मा गांधी को कहा जाता है। शिक्षा और संस्कृति की बात आपको कौन सिखाती है? बापू सिखाते हैं। और बापू किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो बोलो याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा? मैं सिर्फ आपको पिक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए भारत में क्रिकेट खेलने आया मैक्सवेल और मैक्सवेल ने महेंद्र सिंह धोनी से बहुत कुछ सीखा। तो भारत से हम क्या सीखा? किसने सीखा? मैक्सवेल से, मैक्सवेल ने धोनी से सीखा। तो भारत से हम क्या सीखे? कौन से क्रिकेटर का जिक्र किए थे मैंने? मैक्सवेल का। और जब भी विभाजन श्रम जाति प्रथा की बात आएगा तो जाति प्रथा तो भीमराव अंबेडकर के दिमाग में छपता ही छपता है। और एक मछली है तो हमारे इधर मछली जो है विनोद जी बहुत खाते हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाए। तो मैं कुछ भी याद नहीं करवाया, भूल गया, आप सब चीज याद करना मेरे साथ, मैं जब कहूंगा वो आपके आंसर आ जाएगा। देखना पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा का बात आएगा तो एक महापुरुष का नाम याद आएगा, वो है कौन? भीमराव अंबेडकर। विष के दांत सांप का होता है, सांप काटता नीला होता है, नीला से याद आ गया लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा। नाखून क्यों बढ़ते हैं भाई? नाखून इसलिए बढ़ता है क्योंकि हजार बार काटते नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आ गया भारत से हम क्या सीखे? भारत से किसने सीखा था क्रिकेट? मैक्सवेल प्लेयर मैक्स मूलर ने। बहादुर लोग मरते नहीं, अमर हो जाते अमरकांत। जीत जीत में निखरत हूँ, जीत हर का बात कौन करता है? महाराजा, महाराजा से पंडित बिरजू महाराज। नागरिक लिपि, नगर की जो लिपि होती है गुनाकर मूले, इसको मैंने नहीं बताया शायद, इसका आप हमको बना के बताइएगा। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा से एक ही भगवान की पूजा हिंदू धर्म में चलती आ रही, वो है राम भगवान। सजदा तेरा। अब आइएगा नौबत खानों में इबादत। इबादत में हम लोग यानी प्रार्थना करते हैं तो क्या चीज चढ़ाते हैं? मिश्री। मिश्री से यतेंद्र मिश्र का नाम। मछली मेरे इधर कौन करता है? विनोद, विनोद कुमार शुक्ल। शिक्षा और संस्कृति की बात हमें बापू सिखाते हैं, इसलिए बापू का मतलब होता है महात्मा गांधी। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीज एकदम याद हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू।